प्यास गवाह है, लोगों ने 10-10 साल तक तैयारियां की है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा है कि ये मेरे एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशियंट है, तो पहले आप अपने आप को क्वालिफाई करवाने पे ध्यान दें, अपने जो शॉर्ट नोट्स है उनको पढ़ें, अब कोशिश करें नई चीजें ज्यादा ना पढ़ें, अब आपने जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, स्पेशली आप कोशिश करें 2-3 दिन में आप एक टेस्ट तो कम से कम दें, वीक में 3 या 4 टेस्ट। हेलो बच्चों, जय हिंद, उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग खुश हैं और इस टाइम पे जिस चीज की आपको जरूरत है वो घड़ी आ गई है, चाहे वो जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो। आपको पता है जब भी हम कोई वॉर लड़ते हैं उसके लिए पहले तैयारियां होती हैं, लोग 1-2 साल इतिहास गवाह है, लोगों ने 10-10 साल तक तैयारियां की है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अपने को सबसे पहला काम करना है, जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में पहले ये सोचना है कि हमने कितना कर लिया, कितना लेफ्ट है। अगर जितना आपने किया है सिलेबस जो भी कुछ पढ़ा है आपको लग रहा है कि ये मेरे एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशियंट है, तो पहले आप अपने आप को क्वालिफाई करवाने पे ध्यान दें, पूरी हेडेक ना लें। अगर आपने टॉपर वाली तैयारी नहीं की है तो आप 1 महीने में टॉपर नहीं बन सकते, पहले अपने के सिलेक्शन पे फोकस करें। NTA ने जो JEE मेंस के पेपर डाले हैं उनसे साफ साफ जाहिर है कि नीट का पेपर और आने वाले JEE के पेपर्स आर मोर देन जो कॉमन होते थे उससे भी इजी लेवल के पेपर है। तो बी मोटिवेटेड बींग, मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं आपको बता दूं आप इन चीजों से बिल्कुल ना घबराएं। एग्जाम टाइम पे जो फोबिया आ जाता है, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एग्जाम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपको एक मौका मिला है कुछ कर गुजरने का। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आपने जो स्टडी पैटर्न बनाया है उस स्टडी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये रखिए कि मेरे को जो स्टार्टिंग से जो मैं पैटर्न लेके चला था उसी को मेरे को फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया आप अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया, तो आप पहली चीज ये रखिए। दूसरी चीज, अपने जो शॉर्ट नोट्स है उनको पढ़ें, अब कोशिश करें नई चीजें ज्यादा ना पढ़ें, अब आपने जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। एंड फोर्थ वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो है टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, स्पेशली आप कोशिश करें 2-3 दिन में आप एक टेस्ट तो कम से कम दें, वीक में 3 या 4 टेस्ट। एंड आफ्टर अप्रैल यू कैन से मार्च तक आप अपने आप को शेड्यूल कर लें, पूरा रिवीजन कर लें। अप्रैल में आपको फुल्ली टेस्ट सीरीज ही सेट करनी है। फाइनल विनर वही बनेगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेगा। ये टाइम ऐसा है आपके फ्रेंड्स आपको बार बार नेगेटिव करेंगे, तो आप फ्रेंड से ज्यादा राय ना लें क्योंकि वो नेगेटिव लोग नेगेटिव ही आपको राय देंगे। बेटर है आप अपने टीचर से कनेक्टेड रहें, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहें, या जो लोग आपको पॉजिटिव करते हैं उनसे कनेक्टेड रहें। तो इन चीजों से मैं आपको एक चीज बार बार कहना चाहूंगा, नॉर्मली BSL जो आपको कहते हैं कि आप अपने अंदर जो जुनून है उसको पहचानिए। नॉर्मली एक सिंपल सा वर्ड आपके लिए सुनूं, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हदें रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, जेबों में कुछ सपने लेकर भर के जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। तो मैं PW की तरफ से आप सबसे यही विश करता हूं, आने वाले नीट और JEE के नेक्स्ट विनर आप ही हैं। फ्री रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।